सो हे गाइस, वेलकम बैक हो चुका है आप लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना माइनक्राफ्ट का सर्वाइवल सीरीज। भाई इस वाली सर्वाइवल सीरीज में हम लोग कंप्लीट करेंगे माइनक्राफ्ट के सारे मिशंस को, सारे के सारे एडवांसमेंट हम कंप्लीट करने वाले हैं। भाई क्या होने वाला, भाई बहुत मजा आने वाला है। तुम लोग ना वीडियो को एंड तक देखना और भाई पूरी सीरीज को भी जरूर देखना। तो भाई यहाँ पे मेरा नया वर्ल्ड जनरेट हो चुका है और भाई पीछे की तरफ बहुत प्यारा सा समुद्र है और भाई यहाँ पे मैंने थोड़े से ग्राफिक्स भी अच्छे कर दिए हैं माइनक्राफ्ट के। तुम बताना अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज। भाई पीछे अपना समुद्र बहुत प्यारा सा लग रहा है, एकदम एकदम रियलिटी वाली फील आ रही है। और साइड में हमारा एक पहाड़ सा खड़ा हुआ है, भाई पीछे की तरफ हमारा प्लेन सा, भाई क्या ही प्यारा स्पॉन अपने को मिल रखा है, भाई अपने को प्लेन सीरिया मिल रखा है बिल्कुल। तो चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं अपने माइनक्राफ्ट का सर्वाइवल सीरीज और तुम लोगों को मैं दिखाता हूं कौन-कौन से हमें एडवांसमेंट कंप्लीट करने हैं। और हाय मक्खी, आज से मैं यहां रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा मैं। ओए मेरे को घर दो भाई, कोई प्लीज रहने के लिए घर दे दो यार, छत पे मैं रह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओ भाई यहां पे बहुत सारे जानवर स्पॉन हो चुके हैं, वो तो बाद में मैं समझ रहे हो ना तुम। अरे मतलब मैं खाना, भाई मैं वेजिटेरियन हूँ भाई, मैं ब्रेड होगा खाऊंगा। ओके भाई आप पेड़ तोड़ने का था अपने को, पर यार यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता लग रखा है, मैं सोच रहा हूँ पेड़ को ना तोड़ू यार, खामा का ये खराब भी हो जाएगा। तो मैं ना बुढ़ कहीं और से लेके आ जाते हैं। यार ये वाला एरिया बहुत ज्यादा प्यारा है यार, भाई ये वाला एरिया बहुत ज्यादा प्यारा है, भाई यहाँ पे अपना घर बना सकते हैं। मैं इसको बर्बाद नहीं करना चाहता भाई, एक पेड़ है पूरे एरिया में, देखो दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं है, इकलौता पेड़ है उसमें भी मधुमक्खी का छत्ता है, उनका घर खराब हो जाएगा इसलिए मैं तोड़ नहीं रहा हूँ। चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं अपने गेम को। थोड़ा सा वहाँ से मुझे बोर्ड दिखाई दे रहा है, वहाँ पे पेड़ वेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ से पेड़ को लेके आते हैं। ओ भाई साहब सामने कितना बड़ा पहाड़ सा है भाई, और ये कौन सी बायोम है? आई थिंक ये प्लेन से, और भाई पीछे कोई दूसरी टाइप की बायोम है भाई, अलग सा स्पॉन है भाई। और एक सेकंड, ये क्या है भाई? हेलो माइनक्राफ्ट फिजिक्स कहाँ है? फिजिक्स, हेलो फिजिक्स, हेलो फिजिक्स 1 2 3 माइक टेस्टिंग, फिजिक्स है क्या कहीं? भाई फिजिक्स नहीं है भाई, फिजिक्स चोरी हो गई लगता है। अरे तूने फिजिक्स देखी क्या भाई बकरी? फिजिक्स देखी तूने? फिजिक्स देखी? फिजिक्स सुनना सुनना फिजिक्स, अरे सुनना, अरे सुन, तूने फिजिक्स देखी? देख वो क्या हो रहा है उधर, देख ये क्या है, ये क्या है, क्यों है ये? नहीं 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 देखी भाई, इसने भाई इसने भी नहीं देखी। चलो फटाफट से थोड़ी सी बुटकर कर लेते हैं। और भाई आज अपने वो टास्क कंप्लीट करना है, अपने को एक बेड बनाना है। बेड तो बन ही जाएगा, अभी जिससे बात करी थी वो अपने को बोल तो नहीं देगी। और अपने को छोटा सा प्यारा सा घर बनाना है अपने सर्वाइवल के लिए, ना कोई मैं मार ना जाए। यहाँ पे एक पेड़ है काफी अजीब सा, इसे काट लेते हैं। और देखो भाई यहाँ पे बहुत सारे मिशंस है, अपने को ये सारे मिशंस कंप्लीट करने हैं। स्टार्टिंग भाई छत्ते वत्ते से होने वाली है, देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे भाई अपने को शायद फार्मिंग वार्मिंग करनी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। और शायद पानी में चलाने का भी बोट है, पता नहीं क्या है भाई। बहुत सारे मिशन है भाई यहाँ पे, बहुत तगड़े तगड़े मिशन अपने को सारे करने हैं भाई, छोटे मोटे नहीं है, बहुत सारे हैं। फिलहाल के लिए बस अपने को इतने ही दे रखे हैं, पर ये हर टाइम अपग्रेड होता रहेगा भाई, और नए नए मिशन अपने को आ जाएंगे। तो भाई यहाँ पे थोड़ी सी मैंने बोर्ड कलेक्ट कर लिया, थोड़ी सी और कर लेते हैं। और ये सेकंड भाई नीचे की तरफ मैं कुछ देख रहा हूँ, वो भाई नीचे की तरफ कितनी ज्यादा प्यारी सी भाई रिवर जा रही है एकदम पहाड़ से बीच से काटते हुए, भाई कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है ना। और भाई साइड में स्टोन भी है, तो फटाफट से हम अपनी स्टोन में भी अपग्रेड हो जाएंगे और हमें थोड़ी बहुत एडवांसमेंट अभी मिल जाएंगी। आई थिंक इतना पेट काफी रहेगा, तो यहाँ से मैं प्लैंक्स कर लेता हूँ। और यहाँ से फटाफट से बनाते हैं क्राफ्टिंग टेबल को। तो लो भाई क्राफ्टिंग टेबल बन चुकी है, इसको लगा देते हैं यहाँ पर। ओ थोड़े से और गिर गए क्या, उठा नहीं पाया मैं, थैंक यू भाई। तो लो भाई ये भी मिल चुके हैं, तो इनसे थोड़ी सी स्टिक बनाएंगे हम लोग। ओके स्टिक बन चुकी है, यहाँ से बनाने वाले हैं हम पिकेक्स, जिससे हम स्टोन तोड़ने वाले हैं और स्टोन से अपग्रेड होंगे हम स्टोन एज में। तो यहाँ से वुडेज आ गई हमारी और ये आने वाली हमारी स्टोन एज। तो लो भाई यह बात, भाई हमारी स्टोन एज आ चुकी है, हमें एक नया एडवांसमेंट मिल भी चुका है इतनी जल्दी, मतलब अभी आया हुआ स्टार्ट भी नहीं हुआ गेम, और यहाँ पे एक अचीवमेंट अपने को मिल भी चुका है स्टोन एज का। एक मिशन कंप्लीट हो चुका है, अभी बहुत सारे नए नए बहुत सारे अलग अलग टाइप के मिशन करने वाले हैं, पूरा का पूरा माइनक्राफ्ट अपन एक्सप्लोर करेंगे भाई, पूरी की पूरी सीरीज में लास्ट तक बने रहना। और भाई यहाँ पे कितना ज्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा है ना पत्थर तोड़ना, भाई बात करते करते मैंने इतने पत्थर तोड़ दिए जितने की तो नीड भी नहीं थी भाई, इतना बड़ा मजदूर नहीं हूँ भाई मैं, कैदी वाली थोड़ी ना, मतलब पत्थर पत्थर तोड़ने का शौक है मेरे को, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बस यहाँ पे अपग्रेड कर लिया अपने ने, और यहाँ पे एक एग्स बना लेते हैं, थोड़ा सा खाने पीने का जुगाड़ भी तो करना पड़ेगा ना भाई, तो उसके लिए एग्स बना लिया अपन ने। और कुछ अपनी जरूरत पड़ेगी भाई, खाना खाया मतलब खाना मार के नहीं, मतलब खाना हम उधार मांग के लेंगे, तो उसको पकाने के लिए फर्नेस भी तो चाहिए होगा, तो फर्नेस भी लगा लिया, इसको कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। और खाने का नाम लिया और खाना कहाँ है, मीनिंग यहाँ कोई खाना नहीं है, रुको मैं खाना लेके आता हूँ, एक सेकंड रुकना, तो मुझे बस दो मिनट दो मैं खाना लेके आता हूँ। लो भाई यहाँ पे मैं खाना लेके आ चुका हूँ, और ये क्या है, छी छी नहीं नहीं कुछ नहीं देखा तुम लोगों ने। तो भाई यहाँ पे मैं थोड़ा सा खाना लेके आ चुका हूँ, इस पकाने के लिए डाल देते हैं, पर पकाने के लिए ना मेरे पास कोल नहीं है। और लो भाई वहाँ पे मुझे कोल का नाम लिया ना मैंने, और आप मुझे कोल भी दिख गया है, और थोड़ा सा कॉपर भी है तो उसे भी ले लेंगे। ओके भाई यहाँ पे कितना सारा कोल है, चलो भाई फटाफट चलते हैं थोड़ा कोल लेके आते हैं। जैसे कि भाई बॉडी को फ्यूल चाहिए खाना, ऐसे भाई फर्नेस को फ्यूल चाहिए कोल, तो भाई कोल लाना पड़ेगा अपने को, तो इसी बारे में थोड़े से स्टोन भी अपने पास मिल जाएंगे, तो इनको भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो लो भाई यहाँ पे मैंने बहुत सारा कोल काट दिया है, आई मीन माइन कर लिया है, कार्ड तो क्या ही सकता हूँ। आई थिंक ये तक बहुत रहेगा, थोड़ा सा और ले लेता हूँ, बार बार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और थोड़ी बहुत टॉर्चेस भी बन जाएंगी अपनी। ओके लास्ट वन ये भी मिल चुका है, धन्यवाद शुक्रिया। चलो फटाफट चलते हैं नीचे की तरफ, और भाई यहाँ पे थोड़ी सी ना मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ चीज़ों को। और एक सेकंड भाई ये क्या है, भाई एक टाइम बता रही मुझे क्या लगा, ये डायमंड लगे थे भाई दूर से देखने में, भाई आंखें खराब हो गई भाई मेरी। भाई यहाँ पे बहुत अंधेरा है, यहाँ पर टॉर्च चाहिए होगी अपने को, नहीं तो भाई कोई काट जाएगा अपने को, पता भी नहीं चलेगी भाई, बहुत अंधेरा है यहाँ तो। अरे हेलो कुछ है क्या अंदर, प्लीज़ अच्छा सा दे दो प्लीज़। हेलो अरे कुछ नहीं अंदर,
एक खाली केव थी भाई, एकदम स्कैमिंग केव थी। ओ भाई यहाँ पे कोल, आई मीन क्या है, कॉपर भाई, यहाँ पे कॉपर पड़ा हुआ है, कॉपर रख देते भाई, कॉपर मिल गया भाई अपने को आते ही। भाई यहाँ पे बहुत सारा कॉपर हो चुका है, 13 कॉपर हो चुका है, वैसे करूंगा क्या मैं, देखना पड़ेगा भाई क्या कर सकते हैं हम कॉपर से। भाई यहाँ पे तो मिलते ही जा रहा है, मिलते जा रहा है भाई, लड़ी लगा दी। और नीचे भाई एक यार डायमंड सा लगता है यार दूर से देखने में, यार ये क्या ही चीज है। ओके यहाँ पे एक केव दे रखी है, और एक सेकंड भाई इतनी स्क्वायर तरीके से क्यों कट रखी है भाई, क्या हो गया है। ओह लो भाई ये भी खा लिया, स्कैम स्कैम भाई, जिंदा स्कैम। ओ भाई आयरन मिल गया, आयरन मिल गया भाई, आती आयरन मिल गया। ओ ओ एक ही आयरन मिला, अबे छी भाई स्कैम भाई, एक आयरन दिया है बस। यहाँ पे थोड़ा सा कोल और ना ऐसे भी कर लेते हैं भाई, दुनिया भर का बथेरा कोल हो चुका है मेरे पास, मतलब इतना कोल है कि मैं कोल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, इतना कोल है मेरे पास। बिजनेस चलेगा भाई, अपना कोल का एक्सपोर्ट लगाऊंगा यहाँ पे। और भाई मैं देख रहा हूँ शायद यहाँ पर रात होने वाली है भाई, भागो भागो भाई भागो, रात होने वाली है, कोई पकड़ के मारेगा, मेरे को बेड बनाना पड़ेगा, नहीं तो भाई मैं बहुत पिटने वाला हूँ रात में भाई, मुझे खोल देंगे ज़ॉम्बीज़ वगैरह, मैं रात सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा अगर मेरे पास बेड बेड नहीं हुआ तो। भाई मेरे को बेड चाहिए, बेड चाहिए प्लीज़, बेड 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 बेड, ग्रास भी नहीं मेरे पास लगानी, तो प्लैंक लगा दूंगा मैं। और सेकंड ये क्या है, बाद में देखेंगे अभी नहीं देख सकते भाई, बेड लगाना है, बेड लगाना, रात होने वाली है, सूरज ढलने वाला है, सूरज ढलने वाला है। ओ भाई ढलने वाला है भाई, शिप चाहिए होगी मेरे को, प्लीज़ जल्दी शिप दिला दो। ओके मुझे एक शिप दिख रही है वहाँ पे, उसको फटाफट से ना थोड़ा काट के बोल लेते हैं भाई, प्लीज़ प्लीज़ बोल दे दो, प्लीज़ थैंक यू। अब एक ही दिया भाई, कंजूस थी। ओ यहाँ पर थोड़ा खाना और है, तो थोड़ा सा ना भाई, थोड़ा सा फूड उधार दोगे क्या भाई, थोड़ा सा फूड उधार दे दो, ले लूँ फूड, ठीक है भाई। हाँ बोल रहा है, वहाँ बोल रहा है, तो मैं लेता हूँ इसी। अब उसने पूछा ही नहीं कहाँ से लूँ, तो मैंने उसके बॉडी में से निकाल दिया, ठीक है भाई। ओके यहाँ पे एक और शीप है, इसे भी काट लेते हैं। लो भाई ये भी कट चुकी है, दो बुल मिल चुके हैं अपने को, एक और बुल चाहिए होगा, और ढूंढना पड़ेगा भाई। ओके वहाँ पे पिगी है, खाने वाने का जुगाड़ हो जाएगा यहाँ पे। पिगी 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 पिगी, नो मोर पिगी, नो मोर पिगी, और एक शिप मिल जाए बस अपने को, क्योंकि भाई रात होने वाली है, प्लीज़ जल्दी शिप दे दो। मेरे पास 3 प्लैंक्स तो है, अपने पास 3 बुल नहीं है, मैं बना नहीं पाऊंगा, प्लीज़ शिप शिप शिप। ओ शिप 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 शिप, ओ दो शिप शिप, तो उसको बाद में मारेंगे, उसको जो नहीं ना मारेंगे तो क्यों मारना है उसको, फालतू में ना भाई पिटाई नहीं करते, मार कुटाई फालतू, मार कुटाई करना अच्छी बात नहीं होती, फालतू में नहीं करते। यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल आनी पड़ेगी, क्राफ्टिंग टेबल, बेड लगाओ बेड लगाओ बेड लगाओ, बेड बनाना है, रात होने वाली है, रात होने वाली है। ओके भाई यहाँ पे बेड बन चुका है, बस बेड का थोड़ा सा मैं कलर दे सकता हूँ अच्छा सा, तो भाई कुछ फूल वूल हो तो बता दो यार। अरे भाई फूल वूल नहीं है, खाना खाना है मेरे को, भूख लग रही है। ओ शिट यहाँ पे पक चुका है, बढ़िया भाई रात हो गई भाई, मौत का खतरा आ गया, मौत का खतरा भाई, भागो बंद करो भाई, बंद सो जाओ। तो भाई यहाँ पे सुबह भी हो चुकी है, और यहाँ पे अपने को नया एडवांसमेंट मिल चुका है स्वीट ड्रीम्स का, तो वो भी हमने ले लिया है। थोड़ा सा फूड भी पक चुका है, इसे भी फटाफट से खा लेते हैं। ओए क्या देख रहा है, ओए क्या देख रहा है तू, तो पता है ना क्या खा रहा हूँ मैं, तो कभी खा जाऊंगा, इधर मत देखियो, उधर उधर मुकर ले, उधर सामने की तरफ मुकर ले, बता रहा हूँ पहले ही। हाँ फूट ले यहाँ से, कल कल कट ले यहाँ से, कट ले चल चटक चटक। लो भाई वो तो डर गया, मैं तो बता रहा हूँ भाई, बहुत खतरनाक आदमी है, डर जाते हैं लोग मुझे दूर से देखते ही, समझ रहे हो तुम भाई, इतना बड़ा भी नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। तो लो भाई फिलहाल के लिए तो यहाँ पर खाना पक रहा है, तो उसे पकने के लिए छोड़ देते हैं, तो तब के लिए क्या करते हैं हम, थोड़ा सा और भाई थोड़ी बहुत माइनिंग कर लेते हैं अपने घर में बनाने के लिए, क्योंकि भाई बेड तो अपना बन चुका है, और थोड़ा सा स्टोन भाई यहाँ देखो दूर से, देखो क्या डायमंड्स लगते हैं ना भाई ये, तो भाई चलो वो तो बात की बात है। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे फूड लेके चलता हूँ ना, मुझे माइनिंग करने जाना पड़ेगा, तो वहाँ फूड की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और एक बात अच्छी और, अपने को एक आयरन मिल चुका है ना, तो इस आयरन से ना थोड़ी सी शील्ड बना लेता हूँ, क्योंकि भाई प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है अपने लिए, आत्मरक्षा भाई बहुत जरूरी है, आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ आत्मरक्षा भी करनी चाहिए, बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर मैंने क्राफ्टिंग टेबल भी ले लिया है, थोड़ा सा फूड भी पक चुका है, मैंने फूड भी रख लिया है, यहाँ पर थोड़ा सा आयरन भी पक जाएगा। तो भाई लो भाई हमें एक और एडवांसमेंट मिल चुकी है, एक्वायरिंग हार्डवेयर, बहुत बढ़िया भाई, आर्मर तो नहीं बन पाएगा, कुछ बन नहीं पाएगा, जैसे शील्ड बना लूंगा मैं तो प्रोटेक्शन के लिए सही रहेगा। तो यहाँ पर फटाफट से शील्ड बना लेता हूँ, ये आ गई अपनी शील्ड, फटाफट से रखते रखते अपने ऑफ एंड में, और ये हो गई भाई सेफ्टी तैयार, अब मैं कोई ज़ॉम्बी वॉम्बी मार पाएगा नहीं। और थोड़ा बहुत चलते हैं माइनिंग के लिए, और थोड़ा बहुत फूड वूड भी देख लेंगे अगर रास्ते में मिलता है तो। और भाई वहाँ ऊपर तो भाई जाना चाहिए भाई, ऊपर क्या है, ओ एक सेकंड ऊपर भाई स्नो भी, स्नो भी है भाई, ठंड वंड पड़ रही है वहाँ में लगता है। अरे भाई अरे 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 ये कहाँ गिर गया मैं, ओ एक सेकंड यहाँ पे केव है भाई, बहुत बढ़िया भाई, अपने पास शॉर्ट टॉर्च भी होगी, एक तो एक टॉर्च पकड़ते अपने हाथ में, और एक सेकंड नीचे गिरना मरना जाऊँ मैं, प्लीज़ कोई मारना नहीं मेरे को, मारना नहीं मेरे को डर लगता है। ओ शिट मैं कोल छोड़ाया अपने फर्नेस में, शिट भाई हद हो गई, कोल छोड़ाया मैं फर्नेस में, अब कहाँ, बाद में तो बाद में दूंगा, यहाँ पे मिल जाए क्या पता। ओ ओ ए ए दूर हो जा, ए दूर दूर चल चल, कल कल बेटा कल, शील्ड है मेरे पास। ओ भाई कुछ क्या भाई, मुंह पे धप्पी किया उसने मेरे को एकदम से, हाँ भाई धप्पा धप्पा कर देता भाई, क्या बात तुम्हें, ये लुखा छुपी तो ना खेल रहा हूँ मैं। क्या पता कोल मिल चुका है, कैसे कोल लेता हूँ फटाफट से, बहुत सारी टॉर्चेस बनाना बहुत जरूरी है, तो भाई खोल देंगे ये लोग मेरे को, पता भी नहीं चलेगी। आई थिंक चार कोल बहुत है, चार कोल अपने पास है, चार प्लास्टिक भी है, परफेक्ट क्या बात है, टॉर्च बन चुकी हैं। और माइनिंग के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई, पत्थर ही तोड़ लेते, क्या करें, मजदूरी करा लो भाई, पत्थर ही तोड़ लेते आ जाओ। और एक सेकंड भाई नीचे कितना ज़्यादा खतरनाक एरिया हो रखा है, मेरे को मारना नहीं कोई प्लीज़, मैं अच्छा बच्चा हूँ। हेलो कोई है तो नहीं ना, कोई है तो नहीं ना। ओ भाई रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज, और कुछ है क्या, वो नीचे क्या है,
नीचे कुछ चमक रहा है। ओह नीचे नीचे मैग्मा लावा है, नीचे नीचे लावा है और इसी नीचे मौत भी दिख रही है मेरे को। ओ यहाँ पे पानी है, एक सेकंड रुको, पानी से कोई दिक्कत नहीं है। अबे ले पानी के अंदर लावा है भाई, मैं नहीं जा रहा पानी के अंदर भाई, दम घुट जाएगा मर जाऊँगा। है क्या नीचे, भाई तो दे नहीं रहा है भाई। मैग्मा क्यों भाई, भागो भागो, मैं मर गया, मैं मर गया भाई, मैं मर गया, बच गया, मैं बच गया भाई, मैं बच गया। ये तोड़ो इसको पहले, ऊपर जाना तो मेरे को ऊपर जाना है। यहाँ पे बस थोड़ा सा यही पड़ा हुआ है, इसको भी रख लेते हैं फटाफट से। ओए नीचे कुछ है, ओ नीचे पानी है, कुछ भी नहीं, डरने वाली बात नहीं है। हेलो, नो दिक्कत। यहाँ पे थोड़ा सा मैं थोड़ा सा प्लेटफॉर्म आ जाता हूँ ताकि मैं आराम से बैठ सकूँ, यहाँ पे माइन कर सकूँ इसको। भाई ये वाला मैंने काफ़ी सारा माइन कर लिया है कॉपर, और चलते थोड़ा सा यहाँ पे कोल भी पड़ा हुआ था, इसे भी रख लेते हैं। भाई आज तो क्या रिसोर्स मिले जा रहे हैं भाई, रिसोर्स पर रिसोर्स मिले जा रहे हैं, इतने रिसोर्स डे वन में इतने रिसोर्स मिल गए भाई, कमाल की बात है। दबा के कोल हो गया भाई मेरे पास, दबा के कोल, मतलब मैं कोल की बारिश कर सकता हूँ, पता है लिटरली से बारिश जा रही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ अभी हुआ है, फर्नेस में पड़ा हुआ है, इतना दिख चाह रहा है, मैंने यूज़ कर लिया बहुत सारा। अभी काफ़ी सारा अपने को ना कॉपर भी मिल चुका है बहुत सारा, उसका भी रख लेंगे काम आएगा तो। और यहाँ पर टॉर्चेस वर्चेस मैंने लगाई थी हैं, ऊपर जाना है अपने को, होपफुली भाई मरना जाए प्लीज़। वो यहाँ पर और कॉपर पड़ा हुआ है, वो इसे अंधेरा हो गया, वो लाइट लगाओ। ओके यहाँ पर अच्छा कॉपर पड़ा हुआ है, ले लेते हैं भाई। दुनिया भर का कॉपर है मेरे पास, दुनिया भर का। और यहाँ पर कुछ है क्या भाई, हेलो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर कॉपर है, इसे बाद मिल लेंगे। यहाँ पे कोल भी पड़ा हुआ है बहुत सारा, अरे रख लो भाई रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री पॉकेट में मिल रहा है, रख लो सब रख लो। फ्री का माल रख लेना चाहिए भाई, फ्री के माल को सोचते नहीं है रखने के लिए। आंदो 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 पॉकेट भाई, मेरी बहुत बड़ी इन्वेंट्री है, मतलब कितनी बड़ी इन्वेंट्री है, जो कुछ डालोगे वो सब समा जाएगा इसके अंदर। ये लो ये भी रख लिया, टॉर्चेस टॉर्चेस, आंदो आंदो आंदो, और कुछ प्लीज़ दे दो अच्छा सा। बंद हो गया यहाँ पे वो कॉपर, वो और कोल मिल गया, कोल मिल गया। ओके यहाँ पे खत्म हो गई, जो से भी लगे तो ले लेते हैं। तो भाई यहाँ पे मैंने बहुत सारा कोल और ले लिया है, चलो फटाफट पार चलते हैं भाई, क्योंकि भाई यहाँ पे रात भी हो सकती है, खाना भी थोड़ा कम ही है। आई थिंक भूख उतनी लगनी रही मेरे को, क्योंकि तो किसी ने मेरे को मारा नहीं है तो मेरे को भूख लगनी रही है। यार यहाँ से निकलने का रास्ता है, यहाँ से चलते हैं फटाफट ऊपर की तरफ। आई थिंक मैं यहाँ पर नहीं आया था क्या, नहीं यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, कुछ मिला नहीं मेरे को, यहाँ से निकलने का रास्ता है। चलो फटाफट चलते हैं बाहर की तरफ, और थोड़ी सी ना वुड भी कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अपने को घर बनाना चाहिए तो उसके लिए वुड भी चाहिए होगी अपने को बहुत सारी। और इसके में गए थे ना हम लोग, पर यार कुछ आयरन वायरन कुछ मिला नहीं ना अपने को, मेरे को थोड़ा सा आयरन भी चाहिए होगा, तो शायद क्या पता आयरन अपने को वापस मिल जाए। ओए खड्डे में घुस गया मैं, सॉरी सॉरी, मैं बात करते करते खड्डे में घुस गया, तो इसी बात खड्डे को देख लेते हैं। अबे कुछ नहीं खड्डे में, फालतू खड्डा है भाई। अरे यार भाई मैं जंप स्केयर मिल गया यार एकदम से, मतलब मैं अच्छा वाला देख रहा हूँ उसको, चलते चलते मैं खड्डे में गिर गया भाई। ठीक है भाई, क्या ही किस्मत है। यहाँ पे ना पेड़ को पूरा ही काट लेते हैं भाई, थोड़ा सा बचा है ना, ये भी क्या ही सोच रहा होगा, इसे भी उठाई देते हैं। लो भाई खत्म, ये भी खत्म, शुक्रिया। और कुछ बचा नहीं है ना, खाली हो गया ना पेड़, एकदम खाली हो चुका है पेड़, बढ़िया। ओके यहाँ पर थोड़ी सी ग्रेवल पड़ी हुई है, इसको भी रख लेते हैं भाई, क्या पता बाद में काम आ जाए। आई थिंक मेरे पास शवल नहीं है इसको तोड़ने के लिए, शवल बनानी चाहिए, आई थिंक इसे बाद में यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मुझे ना थोड़ा सा आयरन चाहिए, क्योंकि भाई आयरन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कोल भी पड़ा हुआ है, कोल भी रख लेते हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ मुझे थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए भाई, स्टार्टिंग में आते आते भाई नीचे जा तो रहा हूँ मैं, पर भाई नीचे जाना बहुत खतरनाक सा लग रहा है मेरे को। और एक सेकंड, यहाँ पर पानी है ना, यहाँ पर कैसे जाऊँगा मैं, यहाँ पर पानी हो रखा हर तरफ। अरे पानी में डुबकी मारने का कोई शौक नहीं है मेरे को, पर मैं तैर सकता हूँ, उसमें डूबूंगा नहीं। यहाँ पर टॉर्च लगाना बहुत ज़रूरी है भाई, यहाँ पे कितना ज़्यादा अंधेरा है, कितना अंधेरा है यहाँ पे। ओके ओके मैं ज़मीन पे आ गया, और यहाँ पे फिर से कोल, अरे कितना कोल भाई, कोल नहीं आयरन दे दो ना प्लीज़, कोल का करूँगा क्या मैं, कोल से आर्मर बनाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे फ्लिंट लगा के जला जाएगा। कोल से आर्मर नहीं बनता भाई, आर्मर आयरन से बनता है, आयरन दे नहीं रहा यार ये लोग, क्या कर रहे हैं भाई, इतना मैंने ढूंढ लिया आयरन, मिल ही नहीं रहा है। और लो भाई बात करते करते मेरी पिकेक्स भी टूट गई, क्या बात है, मुझे लगता है बाहर निकलना पड़ेगा भाई। निकल लो भाई, टॉर्च बस जमा कर लो अपनी, टॉर्च दो वापस, ए तुम भी टॉर्च दो, चलो इधर टॉर्च आ गई, क्या बात। पानी के अंदर से चाहे क्या, ओ भाई क्या चमकने वाली चीज़ है ना ये, पानी के अंदर क्या है नीचे, अरे नीचे बहुत कुछ है भाई नीचे, पर मैं जा नहीं सकता, मैं तो ऑक्सीजन कैपेसिटी नहीं है मेरे लंग्स में कि मैं इतने नीचे तक जा सकूं, झेल लूं भाई, फट जाएंगे लंग्स मेरे, फेफड़े फट जाएंगे मेरे। ओके यहाँ पे भी शायद एक केव है जो मैंने देखा नहीं है, यहाँ पे गया हूँ क्या, यहाँ पे मैं नहीं गया हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किया है, क्या पता यहाँ पे कुछ अच्छा सा मिल जाए। ठीक है मैं बोला ही क्यों, एक्सपेक्टेशन ही क्यों लगाई मैंने, यहाँ पे एक्सपेक्ट ही क्यों किया था मैंने इससे भाई, एकदम बेकार है भाई, कुछ नहीं मिल रहा आयरन के नाम पर भाई, एक आयरन का पीस पकड़ा दे इससे मैं शिविर के घूम रहा हूँ, कुछ मिल नहीं रहा। लो भाई यहाँ भी कुछ नहीं मिला, छोड़ो छोड़ो भाई, चाहिए नहीं मेरे को आर्मर, मेरे को चाहिए नहीं, मैं घर में रहूँगा छुपके, मैं निकलूंगा ही नहीं बाहर, तो कोई मुझे मार ही नहीं पाएगा, तो आर्मर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब लॉजिक देख रहे हो, कितना भयंकर लॉजिक लगाया मैंने, और मुझे लग रहा है रात होने वाली है, सो जाओ सो जाओ। ओ यहाँ पे पेड़ से कुछ गिरा के दिया है अपने को, वो भाई काफ़ी सारे अपने को यहाँ पे शीट दे रखे हैं, तो इनसे मैं नए पेड़ उगा सकती है, तो मैं सैपलिंग मिल रखी है। और लोग यहाँ पे रात होने वाली है, फटाफट चलो बेड पे भाई, मेरे को सोना है, मेरे को सोना है, मेरे को मरना नहीं है, क्या बात है भाई। यहाँ पे नई सुबह हो चुकी है, मेरे पास बहुत सारी सैपलिंग्स है ना, मैं इनको यहाँ पे ग्रो कर देता हूँ, क्योंकि भाई अपने पास पेड़ बहुत कम है, तो अपने को सैपलिंग चाहिए होगी भाई। ठीक है भाई, सारी सैपलिंग्स मैंने लगा दी है, और यहाँ पे भाई सनराइज हो रहा है भाई, सुबह सुबह का मौसम है भाई, पानी में सनराइज हो रहा है भाई, क्या ही प्यारा लुक आ रहा है ना। और ये सूरज स्क्वायर क्यों है भाई, छी भाई ये क्या है भाई, सूरज भी स्क्वायर बना रखा है, क्या माइनक्राफ्ट के नशे भाई।
ए क्या देख रहा है, क्या देख रहा है, जरा तू रुक रुक, क्या देख रहा है तू, रुक रुक इधर बता, क्या देख रहा था तू, क्या देख रहा था, क्या देख रहा होगा तू, काट दूंगा काट, बता रहा हूँ बीच में से, हाँ आंखें नीचे कर ले, ऊपर कर रहा, पीछे हो जा, हाँ बता रहा हूँ, दिख मत जाइयो, उधर उधर आगे, हाँ चल चल कल आना कल, अरे घूर रहा भाई, मतलब मेरे को मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ उसको भाई, जबरदस्ती घूरे जा रहा है भाई, काट दूंगा पता भी नहीं चलेगी अभी। लो भाई मैंने यहाँ पे बहुत सारा रिसोर्स कलेक्ट कर लिया है, तुम लोगों को दिख रहा होगा भाई, यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टोन बना लिया है, तो भाई यहाँ पे मैंने घर बनाने के लिए बहुत सारा यहाँ पे रिसोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया है। मैं यहाँ पे थोड़े से स्टोनों को बेक कर रहा हूँ ताकि हमें स्टोन ब्रिक्स मिल सके और उससे हम बना सके प्यारा सा घर। और मैंने यहाँ पे बहुत सारे लॉक्स भी जमा कर लिए हैं, यहाँ पे बहुत सारे ब्रिक्स हमने पहले से बना रखी है, मैंने काफी सारा यहाँ पे माइनिंग कर ली है, काफी सारा कोल हमारे पास पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैं इस वाली माइन में भी गया था और यहाँ पे मुझे बहुत सारा कोल मिला, और खैर कोल वोल तो अपने को मिल चुका है, और भाई यहाँ पे हमारे पेड़ भी उग गए थोड़े थोड़े, सारे नहीं हो गए, पता नहीं क्या दिक्कत है, बहुत देर से दिख रहा है हो ही नहीं रहे, एक हुआ है सो बाद में देख लेंगे। अपने पास ना बहुत सारी चीजें हो चुकी है, थोड़ा सा लॉक भी ले लिया है और अपने पास बहुत सारे स्टोन के ब्रिक्स भी हो चुके हैं, इनको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लो भाई बहुत सारे हो गए हैं, तो चलो भाई फटाफट चलते हैं अपना घर बनाना स्टार्ट करते हैं आज के लिए। भाई आज का हमारा मिशन है अपने को एक प्यारा सा घर कंप्लीट करना है अपना, कुछ भी हो जाए भाई घर बहुत जरूरी है, नहीं तो भाई ज़ॉम्बी वगैरह मार देंगे। और मैं सोच रहा था कि भाई घर हम बनाने वाले हैं ना एकदम बीच के साइड में, मतलब एकदम प्यारा सा घर बनाएंगे, मतलब यहाँ पे हमें सुबह उठेंगे तो भाई हमें बीच व्यू भी मिलेगा, सनसेट भाई यहाँ से बहुत प्यारा दिखता है, और भाई अगर हमें ग्लासेस चाहिए होंगे तो वहाँ पे सेंट पड़ी हुई है और भाई हमारे थोड़े फ्लावर भी पड़े हुए हैं, तो उनको निकाल लेंगे बाद में। तो भाई यहाँ पे मैं सोच रहा था घर बनाने का अपना प्यारा सा, ये वाला एरिया एकदम परफेक्ट है घर बनाने के लिए, मतलब एकदम जमीन हल्की उठी हुई है ऊपर से, और भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। तो जितना भी रिसोर्स है मैं लेके आ चुका हूँ, तो यहाँ पे अपना घर बनाना स्टार्ट करते हैं, और क्राफ्टिंग टेबल ना भूल गया मैं, तो लोग बना ही लेते हैं, तो लोग क्राफ्टिंग टेबल बन चुकी है, और मैं सोच रहा हूँ कि भाई घर किस टाइप का बनाऊंगा वो मुझे थोड़ा सा आइडिया है कैसा बनाना है मुझे, तो मैं थोड़ा सा क्या करना चाह रहा हूँ, मैं घर चार तंबू पे खड़ा करके बनाऊंगा, जिसमें से दो तंबू हमारे पानी के अंदर होंगे, दो तंबू उस घर के जमीन के ऊपर होंगे, मतलब काफी ज्यादा प्यारा लुक आएगा। तो मैं समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बताऊंगा क्या करना चाह रहा हूँ मैं अभी। तो थोड़ा सा मैं पानी के अंदर जाता हूँ, डुबकी मारता हूँ ठंडे ठंडे पानी में, और ये डुबकी मार ली, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक ब्रिज बनाता हूँ, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मैं थोड़े से लॉक लगा देता हूँ यहाँ पे करके, कुछ ऐसे करके एक दो तीन चार पाँच छः, आई थिंक जमीन से ऊपर इतना काफी है, ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा, अपने पास इतने सारे ब्लॉक भी नहीं है, फिलहाल के लिए इतने करने वाले हैं अपन लोग, तो यहाँ से भी अपना ब्रिज बना लेते हैं। और इस सेकंड हेलो, ये क्या हुआ भाई, एक घपला हो गया, ब्लॉक गायब हो गए, हेलो माइनक्राफ्ट के नशे हैं भाई ये, यहाँ पे ना थोड़ा सा ब्लॉक्स बनाता जाता हूँ मैं, शायद वापस आ ही जाएंगे अपने आप, शायद ग्राफिक्स की वजह से ऐसा हो रहा है, खैर जो भी है, आई थिंक इतना, वो लो भाई वापस भी आ गए, तो आई थिंक इतना बड़ा ठीक रहेगा, आज तो ज़्यादा बड़ा कर दिया मैंने, थोड़ा छोटा करूँ गया, पर आई थिंक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से अपने को नीचे जाना पड़ेगा। लो भाई अपन नीचे भी आ चुके हैं, यहाँ पर ब्लॉक लगा देते हैं भाई, ये वाला कुछ ऐसे अपन बनाने वाले हैं घर को, थोड़ा थोड़ा पानी के अंदर रहेगा, थोड़ा थोड़ा पानी के बाहर रहेगा, तीन चार पाँच, आई थिंक यहाँ पे काफ़ी ठीक रहेगा। और एक सेकंड भाई, यहाँ पे अचानक से भाई यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और भाई बारिश का मौसम कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है भाई इन ग्राफिक्स में, और भाई यहाँ से देखो दूर से अपना फर्नेस भी दिख रहा है, दूर से चमकता हुआ, और भाई यहाँ पे अचानक से बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, अंधेरा हो गया भाई, विजिबिलिटी एकदम जीरो हो चुकी है, भाई कोई मेरे को मार देगा, जल्दी चलो भाई, मरना नहीं है मेरे को, तो बिल्कुल नहीं मरना भाई, क्रीपर भी फोड़ देंगे मेरे को, सोना है मेरे को, प्लीज जल्दी। ओके भाई यहाँ पे बारिश भी रुक चुकी है, और यहाँ पे सुबह भी हो चुकी है भाई, रात को तो एकदम भाई खतरनाक माहौल हो गया था, और भाई वहाँ पे हमारा घर का ऐसा आधा आधा रह गया, पूरा बन नहीं पाया है, यहाँ पे ना थोड़ी सी मुझे वुड चाहिए होगी, तो भाई यहाँ पे वुड भी उग चुकी है, तो इसे भी काट लेते हैं फटाफट से। तो भाई जहाँ पे हमने अपने पेड़ उगाए थे ना, वहाँ पे हमें बहुत सारी कम वुड मिली है, तो मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ वुड लेने के लिए, और यहाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा वुड मिल रखी है अपने को, भाई वाला पूरा एरिया मैंने साफ कर दिया, वहाँ पीछे की तरफ बहुत सारे प्लैंक्स हैं, अभी पीछे की तरफ बहुत सारे लॉक्स हैं, मतलब वुड है, वहाँ भी हम तोड़ सकते हैं भाई, यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स भी इन्हें भी रख लेते हैं भाई, अच्छे लग रहे हैं, आई थिंक काफ़ी सारे फ्लावर्स हमने रख लिए हैं, ये वाला भी ब्लू भी अच्छा लग रहा है, उसमें ग्रेवी और थोड़े बहुत येलो भी रख लेते हैं, भाई ये कितने प्यारे कूल लग रहे हैं ना, भाई यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे तोड़ दिया है, आई थिंक लीव्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे एक और पेड़ है, इसको भी तोड़ते फटाफट से, चलते फटाफट से अपने घर बनाने के लिए, लेट्स गो भाई, हमें बहुत सारा यहाँ पे वुड मिल चुका है, आई थिंक इतना सफिशिएंट रहेगा, इससे ज़्यादा पड़ने नहीं वाले अपने को, आई थिंक हमारे घर का ढांचा कंप्लीट हो जाएगा इससे, तो चलो भाई फटाफट कंप्लीट कर लेते अपने घर को, भाई बहुत ज़्यादा प्यारा लगने वाला है अपने घर, तो मैं बता रहा हूँ मैं, आई थिंक मैं ना थोड़ा सा बड़ा, मैं दूर से देख रहा था ना, मैंने थोड़ा सा ये बड़ा कर दिया, इसको तोड़ना पड़ेगा यहाँ से, दो तीन चार पाँच छः, तो भाई ये भी कंप्लीट हो चुका है, इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। लो भाई ये वाले कंप्लीट हो चुका है, और एक लास्ट रह गया अपने को ये कनेक्ट करना है यहाँ से, ये भी कनेक्ट हो जाएगा, और भाई यहाँ से कितना प्यारा व्यू आने वाला है तुम लोगों को बता रहा हूँ मैं, सनसेट के टाइम पे भाई यह बहुत प्यारा लगेगा। वो फ्लोर तो भाई अपन प्लैंक से बनाने वाले हैं अपना घर का, यहाँ पे अपना फ्लोर बनने वाला है, मैं इसे थोड़ी हाइट पे इसलिए बना रहा हूँ ना भाई, क्योंकि भाई खतरा है नीचे बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बी वॉम्बी वगैरह का, तो ऊपर ज़ॉम्बी चढ़ नहीं पाएंगे अपने को, वो मार भी नहीं पाएंगे, तो हम ज़रा काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेंगे यहाँ पे, मतलब आदिवासी की तरह रहते हैं ना वैसे रहने वाला हूँ मैं, मेरे तरफ से लॉक खत्म हो गए हैं, तो भाई तुम मुझे बस दो मिनट दो, मैं बहुत सारे लॉक लेकर मिलता हूँ बस एक मिनट के अंदर। तो भाई यहाँ पे हमारा फ्लोरिंग काम कम्प्लीट हो चुका है, और जो एक काम अपने पास रह गया है ना, वो यहाँ पे है एक स्टेयर लगाना, अच्छी सी रास्ता वास्ता बनाना, क्योंकि भाई बार बार ब्लॉक लगा लगा के हम कितना ही चढ़ेंगे, तो यहाँ पे ना एक थोड़ी सी प्यारी सी सीढ़ी बनानी चाहिए मेरे को, तो यहाँ पे स्टेयर्स का ना मुझे कोई आइडिया सोचना पड़ेगा अच्छा सा। क्लियर, मुझे एक और आइडिया आया है, जो ना ये एरिया है ना,
इसके लिए हम थोड़ी सी एक वो बना लेते हैं बालकनी, क्योंकि मैं बालकनी बनाना ना बहुत प्यारा लगेगा यहाँ पर, तो सोच रहा हूँ यहाँ पर एक बालकनी बनाता हूँ मैं। तुम लोगों को पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा, तो मैं बनने के बाद बहुत अच्छी लगने वाली है, तो तुम मुझे बस 2 मिनट दो, मैं यहाँ पर सारी सारी प्लैंक्स लगाता हूँ और थोड़ा सा ना घर का स्ट्रक्चर कंप्लीट करता हूँ, तो मैं मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर। तो भाई यहाँ पर मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा काम रह गया यहाँ पर फिलर्स का, तो मैं थोड़ी सी सैंड लेके आया था ना, मैं उस सैंड को मैं डालता हूँ पकाने के लिए इस फर्निस में। थोड़ा सा कोल भी पड़ा हुआ है, इसे कोल को लेते थोड़ा सा, बोलो अपने को मिल चुका है, मतलब फिर बिक्स पड़ी हुई है भाई, अभी लगा दो भाई बिक्स को, सबको लगा दो। हाँ यहाँ पे थोड़ी सी ग्लासेस बन जाएंगे ना, तो ये वाला एरिया ना मैं ग्लास का रखने वाला हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे सन व्यूज बहुत अच्छा आने वाला है, यहाँ पे ग्लास का एरिया रखूँगा तो मैं। तो ना जो हमारे पास ब्रिक्स बची हुई है ना, उनसे हम छत भर देते हैं फटाफट जाके, यहाँ पे चलते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पे भर देते हैं पूरी की पूरी छत को। एक सेकंड में गिर गया, सॉरी भाई, हद ही है भाई, तब भूख लगी थी ना इसलिए मैं जंप नहीं कर पाया, मैं गिर गया। यहाँ पे जितने भी एरिया है ना, यहाँ पे हम छत को भर देते हैं इससे, क्योंकि भाई खुला खुला घर तो अच्छा लगेगा नहीं ना भाई, क्या मतलब खुला खुला घर है, ऊपर से हम तुम सो रहे हो रात में को, तो मैं ऊपर कोई हक जाए चिड़िया विड़िया तो कैसा अच्छा तो नहीं लगेगा भाई, तो छत ऊपर से बंद होनी चाहिए ना। तो भाई ब्लॉक्स बचे हुए तो लगा ही देते हैं इनको भी, लोग यार भाई सारे सारे ब्लॉक्स भी ठिकाने लग जाएंगे। लो भाई यहाँ पे सारे सारे ब्लॉक्स मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, अपने घर की छत एकदम कम्प्लीट हो चुकी है, चलते फटाफट से नीचे की तरफ। और भाई यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो रखा है, यहाँ पे टॉर्च लगाना बहुत जरूरी, नहीं तो भाई ज़ॉम्बी वॉम्बी आ जाएंगे तो भाई मर जाएंगे अपन लोग। और आई थिंक यहाँ पे काम हो गया है, यहाँ पे से ब्लॉक बच गया, इनको भी निकाल देते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। बढ़िया भाई ये तो काम हो चुका है। और ये पीछे वाली वॉल है ना, इसको मैं भरने वाला हूँ ब्रिक्स से, तो भाई साइड वाली भी भर दूंगा, इसको मैं ग्लास से बनाने वाला हूँ, आगे हमारा गेट रहेगा। तो कुछ ऐसे करके मैंने यहाँ पे ब्रिक्स लगा दिए हैं, यहाँ पे थोड़ी सी ना थोड़ी सी विंडो वाली लुक आ जाए ना, इसलिए थोड़ा सा मैं ये भी लगा देता हूँ भाई। यहाँ पे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है ऐसे करके, मतलब प्यारी लुक आ रही है, मतलब बेकार भी नहीं लग रहा है, सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ। लो भाई ये वाला विंडो वाला काम भी कम्प्लीट हो चुका है, ये वाला काम भी कम्प्लीट हो चुका है, अब बचा है हमारा फ्रंट का काम और हमारे सी व्यू का काम। यहाँ पे मैं ग्लास के पैनल्स लगाने वाला हूँ मैं, लेट्स गो भाई, ये हमारा घर कम्प्लीट हो चुका है, मतलब ठीक ही लग रहा है, मतलब बुरा भी नहीं लग रहा है, खुला खुला लग रहा है, आई नो पता है मुझे थोड़ा ठीक हो जाएगा, वो तो पॉसिबल है ठीक होना। यहाँ पे टॉर्चेज भी लगा देते हैं, अच्छी बात है माइनक्राफ्ट क्या है, बारिश हो रही है पर टॉर्च नहीं बुझ रही है भाई, टॉर्च के अलग ही नशे हैं, टॉर्च बुझ नहीं रही बारिश होने से। तो लो भाई यहाँ पे कुछ ऐसे करके मैंने प्लैंक्स लगा दिए हैं, यहाँ पे मेरा ब्रिक्स भी लगा देता हूँ, थोड़ी सी कम पड़ गई हैं, थोड़ी चौली के आनी पड़ेगी क्या, आई थिंक नहीं, मेरे पास है काफ़ी सारी हैं, तो भी लगा देते हैं। लो भाई अभी ठीक लग रहा है, पहले से बेटर लग रहा है, पहले तो बहुत अजीब सा लग रहा था, पर अब देखो अब थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है अपना घर। तो यहाँ पे कुछ ऐसा करके गेट लग जाएगा, यहाँ पे अपनी विंडो है, यहाँ से आर पार भी निकल सकते हैं, रास्ता तो वैसे गेट तो ये भी काम कर रहा है, गेट वाला काम कर रही है भाई ये विंडो, पर ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टकट हो गया भाई घर के अंदर आने का, घर के बाहर जाने का। और लास्ट चीज़ अपनी रह गई है वो करने के लिए, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या रह गया है, बहुत ज़्यादा मेन चीज़ रह गई है वो, बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा उसके बिना। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ब्लॉक ले लिए हैं, तो इसमें मुझे स्टिक भी चाहिए होगी, यहाँ पे ना एक मैं थोड़ी सी एक्स बना देता हूँ, ये एक्स बहुत कमजोर हो गई है, तो एक एक्स बन जाती तो मज़ा आ जाता, तो यहाँ पे एक्स भी बना लिया मैंने, यहाँ पे गेट को लगा देते हैं, इसलिए भाई रात हो रही है सो लेते हैं पहले। तो भाई यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, यहाँ पे मैं डोर को लॉक करता हूँ और चलो भाई नीचे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ना जो मेरे ये ब्लॉक्स है ना, इनको मैं छील देता हूँ, क्योंकि अच्छे लगेंगे वरना बहुत अजीब से लग रहे थे ये, यहाँ पे मैंने ये सारे छील दिए हैं और गड्ढे में गिर गया भाई, पानी में गिर गया, एक सेकंड रुको जरा भाई, अब भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना ये, मतलब छीलने के बाद ना एकदम लुक चेंज हो जाती है भाई लॉक्स की, अभी आई थिंक परफेक्ट लग रहा है। पूरा का पूरा घर अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, आज का हमारा टास्क पूरा हो गया है भाई, पूरा का पूरा घर एकदम प्यारा सा बना दिया अपन ने, एकदम सिंपल सा है, पर भाई पता है अच्छी बात क्या है, यहाँ पे एक भाई साइड में बालकनी भी है, और इस सेकंड भाई भाई कीपर वीपर आ गए हैं भाई, दूर रहो भाई, बाहर नहीं जाने का, बिल्कुल अंदर रहने का, बाहर जाओगे भाई मर जाएंगे। यहाँ पे स्टेयर से हमारे यहाँ ऊपर चढ़ने का, यहाँ से हम ऊपर आ चुके हैं, और भाई यहाँ पे हमारी बालकनी, यहाँ से हमारा प्यारा सा सी व्यू आता है भाई, यहाँ पे बैठ के ना फिशिंग करेंगे अपन कभी करेंगे तो। और यहाँ पे हमारा घर का पीछे का रास्ता जाने का, मतलब ठीक है, मतलब इतना सेफ नहीं है पर ठीक ठाक है, यहाँ पे हमारा सिंपल सा रास्ता एक और है यहाँ पे अंदर जाने का, और यहाँ पे गेट है। तो लो भाई इस वाली वीडियो में तो बस इतना ही, अगर तो वीडियो अच्छी लगी तो एक सेकंड पानी में गिर गया भाई, अच्छी बात में लगे, पहले पानी से बाहर निकलो, गंदा हो जाता है, बार बार पानी में गिर जाता हूँ मैं, अभी थोड़ा रास्ता भी ठीक करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पानी पानी हो रखा हर तरफ, इसमें मैं डर्ट लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही भाई, यहाँ पे सनराइज भी हो गया है प्यारा सा, और भाई तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक मार देना, और भाई अगर चैनल पहली बार आए तो भाई सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तब तक के लिए भाई तुम्हें मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी अपने को बहुत सारी एडवांसमेंट करनी है तो मैं दिखाता हूँ भाई, बहुत कम एडवांसमेंट हुई है, बहुत कम क्या थोड़ी बहुत छोटी छोटी एडवांसमेंट हुई है। तो भाई आज की पूरी समरी है कि हम यहाँ पे स्टोन एज में आ चुके हैं, अपन ने ना थोड़ा सा आयरन भी बना लिया था, अपन ने पिकैक्स भी बनाई थी, काफी सारी चीजें यहाँ पे करना भी रह गया है, बहुत सारी चीजें करनी अपने को बाकी है, अपने बहुत कम चीजें करी है, और यहाँ पे हमारी स्वीट ड्रीम्स भी कंप्लीट हो चुकी है, बहुत बढ़िया, और इन सब चीजों को करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है अपने को। तो भाई तब तक के लिए मैं तुम्हें मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।